तर आदर्श सोसायटीवरील अहवालाच्या फेरविचारासंदर्भामध्ये काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरेंनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतलेली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी मिळून यावरती लवकरच निर्णय घेतील अशी अपेक्षाही माणिकरावांनी व्यक्त केलेली आहे. तर राष्ट्रवादीचे खासदार तारिक अन्वर यांनी आदर्शवरती विधानसभेमध्ये चर्चा व्हायला पाहिजे होती असं देखील म्हटलंय. आदर्श के रिपोर्ट के बारे में जो राहुल जी ने कहा है तो स्पष्ट रूप से कहा है कि उसका पुनर्विचार करना चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट रूप से कहा है और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है स्पष्ट रूप से कि मैं हमारे जो भी कांग्रेस के ज्येष्ठ मंत्री है और एनसीपी के ज्येष्ठ मंत्री है उनसे साथ बातचीत करूंगा और उसके बाद हम कैबिनेट में तय करेंगे. तो मुख्यमंत्री जी भी उस तरीके से जो राहुल जी ने कहा था उसी के आधार पे उन्होंने भी अपनी प्रति ऐसा लगता है कि उसी समय अगर इसको असेंबली के पटल पर रखा जाता, बहस हो जाती तो अच्छा होता, चर्चा हो जाती और उसका दोनों पक्ष सामने आता और उसके बाद किसी फैसले पर सरकार पहुंचती तो बेहतर होता. और आउटराइट उसको रिजेक्ट करना शायद वो मुनासिब नहीं था और शायद इसीलिए कांग्रेस हाईकमांड ने इस बात को महसूस किया और उसको रिव्यू करने का निर्देश दिया है. आप बरोबर राज्यामध्ये युती करण्याबाबत पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्याशीच चर्चा करणार असल्याचे